तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अभी फिर से आ गया हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तारीख है 13 जनवरी और टाइम की बात करें तो टाइम बज चुके हैं 12। तो आज मौसम की बात करें तो मौसम एकदम साफ बना हुआ है। 11 तारीख से लेकर जो है अभी तक बिल्कुल साफ बना है। अभी 17-18 तारीख तक जो है वेदर फोरकास्टिंग जो है मौसम के ऐसे ही बने रहने की है, यानी कि साफ बना रहेगा। तो बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ यहाँ पे आप छत में देख सकते हैं अभी भी कितनी बची हुई है। यहाँ पे 1.5 फीट के करीब जो है बर्फबारी हुई थी, तो अभी भी जो है यहाँ पे लगभग 0.5 फुट के करीब, 0.5 फुट से थोड़ा ज़्यादा बर्फ़ बची हुई है। और यहाँ पे खेत में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है पहले पूरे जो है खेत यहाँ पे ऊपर बर्फ़ से ढके हुए थे, लेकिन अब थोड़े से खुल चुके हैं। बर्फ़ पड़ने के जो है दो दिन तक जो है मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है बर्फ़बारी होने के कारण जो बिजली है वो गुल हो गई थी से फ़ोन में बैटरी ख़त्म, और बैटरी ख़त्म तो फिर सब कुछ ख़त्म, फ़ोन एकदम बंद, तो फिर वीडियो शूट भी नहीं हो पाई। तो पिछले कल जो है शाम के टाइम लाइट आई 3 दिन के बाद, जिससे कि पिछले कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मैंने जब बर्फबारी हो रही थी उस दौरान शूट की थी, और उस दौरान जो लाइट बाद में चली गई, फिर मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख लिया, तो वो वीडियो फ़ोन में ही थी, तो उसको मैंने पिछले कल शाम को अपलोड किया था। तो बाकी मैं आज अभी 13 तारीख की, आज जैसे कि मैंने आपको बताया तो कल है 14 तारीख, 14 तारीख मकर संक्रांति यानी कि साजा माघ। तो आज जाना होता है थोड़ा सा दुकान की ओर भी, पता नहीं कौन जाएगा दुकान की ओर। वैसे तो यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, दुकान के लिए जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि रास्ते में जहाँ पे नाले होंगे वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ होगी, क्योंकि वहाँ पे तो धूप भी नहीं लगती और बर्फ़ भी बिल्कुल भी नहीं गली होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल होगी। तो जाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा सामान वगैरह लाना होता है साजे माघ के लिए। तो देखते हैं फिर कौन जाता है दुकान की ओर। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ हर बार की तरह जो है गाँव की ओर, तो अगर मैं जाऊँगा तो गाँव से ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से जो है पार जो आपको पीछे मेरे पीछे नाला दिख रहा है घर के पानी साइड, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, तो लगभग बेल्ट से भी ऊपर है, जो पेंट की बेल्ट होती है उससे भी ऊपर यहाँ पे बर्फ़ होने की संभावना है। और रास्ता भी अभी तक वहाँ पे कोई भी आदमी जो है नहीं चला, रास्ता नहीं बना है। जो गाँव होके रास्ता जाता है दुकान के लिए, तो वहाँ होके जो है कुछ लोग अभी मतलब अरे परे जा रहे हैं वहाँ होके लोग, तो वहाँ होके थोड़ा सा रास्ता बन गया है, लेकिन यहाँ होके जो है कोई भी लोग अभी नहीं चले हैं, तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं बना है बर्फ़ में। तो अभी जो है वहीं से गांव से ही जाएंगे नीचे होके, लगभग आधे घंटे का रास्ता है गाँव से दुकान तक। तो अगर तो मैं गया तब तो मैं रास्ते में भी ब्लॉगिंग करूंगा, दिखाऊंगा, अगर नहीं गया तो फिर शाम को पता चल जाएगा, तो नहीं तो मैं फिर गांव में ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए फिरूंगा, स्केटिंग करने या फिर बर्फ़ के साथ जो बर्फ़ के बॉल बना के एक दूसरे को बर्फ़ माना। तो अभी मैं पहुंच गया हूं गाइस गांव में, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम जो है बर्फ़ में यहाँ पर एक तरह से स्केटिंग के लिए जो है रोड टाइप बना के उसमें यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो है गाड़ी जो है लकड़ की बनाई हुई है और कोई थाली के ऊपर बैठ के यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे। तो गाइस अभी मैं जो है गांव से वापस घर की ओर जा रहा हूँ, तो अभी टाइम बच चुके हैं शाम के 5:30 होने को है। तो आज जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि अगर मैं दुकान को गया साजे माघ के लिए सामान लाने, तो उस दौरान मैं रास्ते में वीडियो बनानी थी। यहाँ पे एक मंदिर भी पड़ता है, देवता श्री टिकरासु नाग जी का मंदिर है, तो मैंने वहाँ होके भी जाना था और आपको भी वो मंदिर दिखाना था, बहुत ही शानदार जगह है वहाँ पर, तो दिखाना था कि बर्फ में वहाँ का व्यू कैसा है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया दुकान के लिए, जो है पापा गए थे, दादा गए थे, तो मैं नहीं गया। तो आपने देखा होगा वीडियो में भी कि मैं जो है नीचे गांव में ही था और वहां पे जो है बर्फ़ के साथ एंजॉय कर रहे थे स्केटिंग वगैरह। अभी मैं फिर से जो है गांव से घर की ओर जा रहा हूं, और ये देखिए मुंह में च्युइंगम डाली हुई है, ये जो है दादा ने लाई थी, वो दुकान से अभी आ गए हैं घर वापस, तो उन्होंने जो है
सामान वगैरह लाया उसके साथ है, थोड़ी सी मिठाई भी, तो च्युइंगम जो है मैंने भी ले ली वहाँ से। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइज कल। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति एडवांस में। मेरे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हों तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय।